महाराष्ट्र के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 99 उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। नागपुर दक्षिण पश्चिम से देवेंद्र फडणवीस को उम्मीदवार बनाया गया है बीजेपी की ओर से, और कामठी से चंद्रशेखर बावनकुले को उम्मीदवार बनाया गया है। महाराष्ट्र चुनाव के लिए बीजेपी की पहली सूची है, 99 उम्मीदवार जिनकी घोषणा की जा चुकी है बीजेपी की ओर से। और देखिए, कौन कौन सी वो सीट जिस पर नजर थी, हालांकि ये माना ही जा रहा था कि दक्षिण पश्चिम नागपुर से देवेंद्र फडणवीस ही उम्मीदवार होंगे और वही हुआ। इसके अलावा कामठी से चंद्रशेखर बावनकुले, बांद्रा पश्चिम से आशीष शेलार को उम्मीदवार बनाया गया है, भोकर से श्री जया चौहान को उम्मीदवार बनाया गया जो कि अशोक चौहान की बेटी है श्री जया, और इसके अलावा बेलापुर से मंदा विजय महात्रे उम्मीदवार बनाई गई हैं। ये पूरी सूची आपके सामने है, किस किस को कहां कहां से उम्मीदवार घोषित किया गया है। ये बीजेपी की पहली सूची है महाराष्ट्र चुनाव को लेकर। 20 नवंबर को वोटिंग होनी है, 23 तारीख को नतीजे सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले मंथन का दौर लगातार चल रहा था महायुति में। और देखिए, पहली सूची आ चुकी है। देवेंद्र फडणवीस जो है वो कहां से लड़ेंगे, वो हमने आपको बताया, नागपुर दक्षिण पश्चिम से। नासिक पश्चिम से सीमाताई हीरे को टिकट दिया गया है, बेलापुर से मंदा महात्रे को, दहीसर से मनीषा चौधरी उम्मीदवार है, मोनिका रांजले शिवगांव से उम्मीदवार है, पार्वती से माधुरी को टिकट दिया गया है, कैज एससी सीट है, नमिता मुंदड़ा को टिकट दिया गया है, श्रीगोंडा से प्रतिभा पचपुते को टिकट दिया गया है, घाटकोपर की सीट है, राम कदम को उम्मीदवार बनाया गया है, जामनेर से जो है गिरीश महाजन को टिकट दिया गया, कंकावली से नितेश राणे को टिकट मिला है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।